फरुखाबाद में पुलिस ने एक लुटेरी दुल्हन और उसके गिरोह का पर्दाफाश किया है। दरअसल सुहागरात वाले दिन ही घर से नकदी और जेवरात लेकर रफू चक्कर हुई शातिर महिला और उसको अन्य 5 सदस्यों के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके पास से कुछ नकदी और जेवरात भी बरामद किए हैं। बीते 6 जुलाई को थाना कमालगंज के मनशाराम ने मुकदमा दर्ज कराया था कि उसके साथ शादी करने के नाम पर ठगी की गई है। फरुखाबाद के थाना कमालगंज क्षेत्र में पिछले माह में एक शादी के नाम पर ठगी की वारदात हुई थी, जिसमें विनोद पुत्र मनशाराम ने थाना कमालगंज पर अभियोग पंजीकृत कराया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि उनसे शादी के नाम पर एक व्यक्ति ने करीब 1.5 लाख रुपए ले लिए और साथ ही जिससे शादी कराई थी वह दुल्हन भी शादी के उपरांत उनके घर से करीब 50,000 नगद एवं 1,70,000 रुपए के जो जेवरात थे वो लेकर भाग गई है। पुलिस ने उक्त मामले में अभियोग पंजीकृत किया और साथ ही थाना कमालगंज पुलिस के द्वारा उस पूरे जो ठगी का गिरोह है उसका भंडाफोड़ किया है और आज उसके 5 सदस्य जिसमें 3 दलाल और 2 महिलाएं शामिल हैं उनको गिरफ्तार किया है। उनको सुसंगत धाराओं में जेल भेजकर विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। जिस महिला रूबी से उसने शादी की, शादी के साथ फेरे लेकर 7 जन्म तक साथ निभाने की कसमें खाई, वे महिला सुहागरात वाले दिन ही नकदी और जेवरात लेकर रफू चक्कर हो गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। वहीं पुलिस ने लुटेरी दुल्हन रूबी उर्फ पूजा सोलंकी समेत अन्य साथियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 21,700 रुपए, 3 जोड़ी बिच्छियां, 1 जोड़ी तोड़िया बरामद हुई है। क्षेत्र अधिकारी ने खुलासा करते हुए मीडिया को भी ये जानकारी दी है। जनहित टाइम्स के लिए फारुखाबाद से आदेश यादव की रिपोर्ट।